यमुनानगर के गांव दामला में कुछ दिन पहले खेतों में एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ मिला था। मृतक की टांग को आवारा कुत्तों ने नोचा हुआ था। पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली तो पता चला कि जिस व्यक्ति पवन की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, ये लाश उसी पवन की है। इसी के साथ ही पुलिस को लाश के पास दो ग्लास भी मिले थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति पवन के पास कौन था, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया और हथियारे की तलाश में जुट गई। और छानबीन के दौरान ही पुलिस ने घर के नौकर अमन को दबोच लिया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान अमन ने पूरी वारदात का खुलासा किया और हत्या करना कबूल किया। अमन ने पूछताछ में बताया कि घर की मालकिन के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने पवन की हत्या कर दी। अमन ने ही शराब पिलाने के बाद पवन का कुल्हाड़ी से बेरहमी से कत्ल कर दिया और हत्या के बाद घर चला गया। और देखिए, इसमें एक मरने वाले का नाम था पवन, ये दुबई से आया था और कुछ दिनों बाद ही हफ्ता दो हफ्ता बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तो ये है कि इसकी जो हत्या 6 तारीख को हुई थी और 8 तारीख को इसकी बॉडी रिकवर हुई थी। पीछे आप सबने देखा भी था, माजरी जो शमशान घाट है उसके पास इसकी बॉडी रिकवर हुई थी और कुछ जानवरों ने नोच भी रखा था इसको, और अनआइडेंटिफाइड ये बॉडी थी, शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तो इसको 2 दिन के लिए मॉर्चरी में रख के फिर जब इसकी शिनाख्त हुई तो इसके फादर के बयान पे, जयपाल जो इसके फादर है मरने वाले के, उसके बयान पे एक 302 में एक सदर यमुनानगर में उसके एरिए में क्योंकि हुआ था तो उस पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज हो गया था और ये अनट्रेस चल रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि कौन इसमें मुलजिम है, अननोन था इसमें जो आरोपी था, अननोन के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इनका साथ वाला जो खेत था उस पे जो काम करने वाला नौकर था, तो कल हमें मुखबरी मिली थी कि वो अपना कोई सामान जो यहाँ छोड़ गया था, छुपा गया था, वो लेने के लिए आएगा। तो मुखबरी के आधार पे हमने उसको दामला जो अपना फ्लाईओवर है उसके आगे से उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने कबूल कर लिया है कि उसने जो उसकी हत्या की, उसका जो हथियार था कुल्हाड़ी वो भी हमने रिकवर कर लिया है। और हत्या की वजह जो अभी तक सामने आई है वो इलिसिट रिलेशन जो थे, जो मरने वाला है उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे, जो अभी तक बात पता लगी है और वो कुछ हद तक ठीक भी है। इस बात की पुष्टि हुई है कि किसी जंगली जानवर ने या स्ट्रे डॉग ने उसको नोच रखा है, मतलब वो चोट के अलावा जो उसके बॉडी पे निशान थे वो सारे स्ट्रे डॉग्स के ही थे। फिलहाल पुलिस अमन को गिरफ्तार करने के बाद आगामी कार्रवाई कर रही है। पंजाब के सीटीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।